खबर पोहरी अनुभाग के सीएम राइज स्कूल की है, जहां मध्य प्रदेश बाला ट्री हेल्थ एसोसिएशन संस्था द्वारा कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन मुख्य रूप से जिला समन्वयक मीरा सोनी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां जिला समन्वयक मीरा सोनी ने स्कूली छात्र छात्राओं को कोविड बीमारी और उससे बचाव के उपाय बताए। साथ ही वैक्सीनेशन का कार्य व्यापक रूप से शुरू हुआ, अधिकतर लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वहीं सरकार द्वारा बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं, लोग जागरूक होकर बूस्टर डोज लगवाएं। भारत में इस बीमारी पर जल्द ही लगाम लगा दी थी, जिसके चलते संक्रमण से लोग ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। इस विद्यालय में बच्चों कोविड को लेकर आपकी क्या प्राथमिकता है और क्या निर्देश है? देखिए, वो ऐसा रहा है कि कोविड को लेकर तो पिछले काफ़ी समय से भारत सरकार मंत्री कार्य कर ही रही है, लेकिन हम MPBHA की तरफ से उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जहां तक मध्य शासन कुछ लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं या वहाँ तक पहुँच नहीं बन पा रही है। जैसे उसमें हमारे 12 से 14 साल के बच्चे हैं, किशोरी बालिकाएँ हैं, विकलांग व्यक्ति हैं, एल्डर पर्सन हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, तो या आदिवासी क्षेत्र है जहाँ पे कोई पहुँच से दूर है, या कोई ऐसा एरिया है जहाँ शासन की सेवाएं नहीं पहुँच पा रही हैं, तो वहाँ तक हम पहुँच करके उनको आइडेंटिफाई कर करके 100% जो हमारा मिशन है 100% वैक्सीनेशन, उस पर काम कर रहे हैं।